तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सार नॉलेज वर्स पर। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं, वो एकमात्र ऐसा देश है जिसका कुछ हिस्सा एशिया में तो कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है। यहाँ के लोग एक दिन में कम से कम 10 कप चाय तो पी ही जाते हैं। एक ऐसा देश जहाँ चिकन से बनाई जाती है मिठाई। यहाँ पर 99% लोग एक ही धर्म से हैं, लेकिन फिर भी ये देश अपने आप को बनावटी सेकुलर यानी कि धर्म निरपेक्ष कहता है। एक ऐसा देश जहाँ पर लाल टोपी पहनकर निकलने पर पूरे तरीके से पाबंदी है, और इस देश की खूबसूरती एक बार देखने के बाद कोई भी इंसान इस जगह से वापस नहीं आना चाहता। यहाँ की शाम सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है, जहाँ सूरज ढलने के बाद ही मदोसी छा जाती है। यहाँ की वादियाँ जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरत हैं यहाँ की लड़कियाँ। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे स्पेशल देश टर्की की। तो अब देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं टर्की के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश की कुल जनसंख्या है 8,20,00,000 के आसपास। और एक बात, टर्की का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ टर्की है। टर्की की 76% आबादी शहर में रहती है, तो वहीं 24% आबादी गांव में। इस देश में टर्किश भाषा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। टर्की एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी कि एक ऐसा देश जो कि दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में बटा हो। वैसे टर्की देश यूरोप और एशिया के बीच में पड़ता है, मतलब कि ये देश इन दो कॉन्टिनेंटल में आता है। हालांकि इसका मैक्सिमम एरिया एशिया में ही आता है, वहीं बाकी का कुछ बचा हिस्सा यूरोप में भी आता है। देश का बॉर्डर ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, इराक और सीरिया के साथ जुड़ी हुई है। साथ ही देश के उत्तर में एक ब्लैक सी भी मौजूद है। टर्की की राजधानी शहर है अंकारा, जबकि इस देश का सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल। देश भर में केवल इस्तांबुल ही एकमात्र ऐसा शहर है जो कि दोनों महाद्वीपों में बसा हुआ है। टर्की का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक शहर इस्तांबुल में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और इन दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से एक तो एशिया के लिए है तो वहीं दूसरा यूरोप के लिए है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे पुराने और सबसे बड़े बाजारों में से एक है। ग्रैंड बाजार में कुल 4,000 दुकानें हैं, और इन दुकानों में 25,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं, और हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक इन बाजारों का रुख करते हैं। अगर आप कभी भी टर्की जाएं तो इस जगह पर एक बार जरूर जाना, यहाँ आपको कम से कम दामों में सामान मिल जाता है। दोस्तों जब इंसान कोई ब्रिज बनाता है तो उसकी मदद से नदी या फिर कोई मुश्किल जमीन को पार किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है ऐसे पुल के बारे में जिसकी मदद से न सिर्फ दो देश बल्कि दो कॉन्टिनेंट को भी क्रॉस किया जा सकता है। पर एक ऐसा ब्रिज टर्की में है जिसका एक हिस्सा एशिया में है और दूसरा हिस्सा यूरोप में, और इसी वजह से टर्की को एशिया का पुल भी कहा जाता है। वैसे टर्की का बहुत कम हिस्सा ही यूरोप में पाया जाता है, लेकिन फिर भी उतने कम एरिया में यूरोप के पंछियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां टर्की में ही पाई जाती हैं। जी हाँ, इस देश में आपको बहुत अलग अलग तरह के पंछी देखने को मिल जाएंगे। जब बात हुई है पंछियों यानी कि बर्ड्स की, तो ऐसे में लव बर्ड्स को कैसे कोई भूल सकता है। एक सर्वे के मुताबिक इस देश में लव बर्ड्स यानी कि प्यार करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ की वादियों में ही रोमांस है। दोस्तों टर्की के लोग सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव होते हैं, तभी तो फेसबुक पर सबसे ज्यादा अकाउंट के मामले में टर्की के लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। यहाँ के लोग सोशल मीडिया के बिना रह ही नहीं सकते हैं। इनका मानना है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप किसी बिना संकोच के अपने दिल की बात रख सकते हैं। यानी कि यही वजह है कि यहाँ की आधी आबादी से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। ये हर बात यहाँ पर शेयर करते हैं। टर्की की कुल जनसंख्या में 99% लोग मुसलमान हैं, यानी कि इस्लाम धर्म को मानते हैं। लेकिन 99% मुस्लिम होने के बावजूद भी इस देश को धर्म निरपेक्ष यानी कि सेकुलर कहा जाता है। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जिस देश में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वहाँ पर इस्लामिक कायदे कानून को फॉलो किया जाता है। शायद टर्की अभी भी सेकुलरिज्म है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस देश का कुछ हिस्सा यूरोप में होना हो सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस देश का बहुत कम हिस्सा ही यूरोप में मिलता है, लेकिन इस देश के लोगों का रहन सहन बहुत हद तक यूरोप से मिलता है। यहाँ के लोगों की सोच बहुत हद तक यूरोपियन है, क्योंकि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग यूरोप में काम करने के लिए जाते हैं, इसलिए लोगों की सोच और लाइफ स्टाइल भी यूरोपियन हो गई है। तभी तो यहाँ के ज्यादातर लोग जर्मनी और फ्रांस में जाकर बस जाते हैं। टर्की दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ बच्चे पैदा होने के बाद उन्हें नमक से लपेटा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि बच्चे पैदा होते ही नमक से लपेटने पर उसके
ऊपर से सारी बुरी नजर हट जाती है। वैसे हैरान करने वाली बात है ना कि हम इंसान कहते रहते हैं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन अभी भी बुरी नजर अच्छी नजर की बात करते हैं। टर्की के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और जब भी मन करे नाचते हैं। स्ट्रीट परफॉर्मेंस करने में तो ये माहिर है ही, साथ ही यहाँ पे लोगों को पेंटिंग करने में भी बहुत शौक है। टर्की में सबसे ज्यादा मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। यहाँ के लोग मधुमक्खियों की मदद से शहद का कारोबार बड़े लेवल पर करते हैं। कहा जाता है कि टर्की का शहद दुनिया का सबसे अच्छा शहद होता है। साथ ही टर्की दुनिया का सबसे बड़े मसालों का एक्सपोर्टर है। यहाँ का खड़ा मसाला सबसे ज्यादा पॉपुलर है। राजधानी शहर इस्तांबुल में आपको दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का मार्केट दिखेगा। यहाँ से दुनिया के हर देश में मसालों को बेचा जाता है और खूब पैसे कमाए जाते हैं। मसालों के साथ अखरोट के उत्पादन के मामले में टर्की दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ से दुनिया के बाकी के देशों में 80% अखरोट एक्सपोर्ट किया जाता है। टर्की देश में लाल रंग की टोपी पहनकर बाहर निकलना कानूनी अपराध है। इस पर मुस्तफा कमाल पाशा ने बैन लगाया था। उन्हें लगता था कि ये कट्टरता की निशानी है, इसलिए अगर आप कभी भी टर्की जाएं तो अपना लाल टोपी यहीं छोड़कर जाएं। टर्की दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आपको चिकन से बनी हुई मिठाई खाने को मिलेगी। यहां चिकन का इस्तेमाल नॉनवेज की तरह नहीं बल्कि मिठाई की तरह किया जाता है, मतलब चिकन वाला मिठाई। इस मिठाई को चिकन और दूध को उबालकर बनाया जाता है। दूध में चिकन बिंस डाला जाता है और कई घंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये खोया जैसा बन जाता है। आप जब भी टर्की जाओ तो इस खास मिठाई को जरूर ट्राई करना। ये बात तो आपको पता ही होगी कि यूरोप के लोग कॉफी पीना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि कॉफी पीने की शुरुआत यूरोप में इस्तांबुल शहर से ही हुई थी। आपको बता दें कि इस देश में कॉफी को छोड़कर चाय पीना सबके लिए कॉमन बात है। तकरीबन 96% आबादी यहाँ पर कम से कम दिन में एक बार चाय जरूर पीती है। यहाँ भी हमारे देश की तरह चाय पर चर्चा करने वालों की कोई कमी नहीं। हालांकि जब बात होती है खाने पीने की तो टर्की के लोग बड़े शौकीन होते हैं इस मामले में। खाने की तो हम आपको बाद में बता देंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ के लोगों की पीने की आदत के बारे में। टर्की का बियर मार्केट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ के लोगों के बीच में बियर पीना बहुत ही पॉपुलर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में वाइन पीने की प्रथा 4000 ईसा पूर्व से होती आ रही है। यहाँ के लोगों के बीच में व्हाइट वाइन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आपको टर्की के हर एक रेस्टोरेंट में व्हाइट वाइन मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं टर्की के खाने की। आपको बता दें कि इस देश का खाना दुनिया में सबसे मशहूर है। जिसने भी यहाँ पर एक बार नॉनवेज खा लिया उसे कहीं और का नॉनवेज पसंद नहीं आएगा। यहाँ का डोनर कबाब दुनिया में मशहूर है। टर्की के शेफ भी दुनिया के बेस्ट शेफ माने जाते हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे नामी शेफ हैं जिन्हें मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं। टर्की के लोगों को पॉलिटिक्स के ऊपर गप्पे मारने में बहुत अच्छा लगता है। इस देश के लोग राजनीति के ऊपर सबसे ज्यादा बात करते हैं, किस सरकार ने कितना अच्छा काम किया है या किसे वोट देना है या नहीं देना है, सब ये आपस में बैठकर बातें करते हैं। अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं और आप टर्की में पैदा हुए तो मामला थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा परेशान पत्रकारों को ही किया जाता है और सबसे ज्यादा जेल की हवा भी पत्रकार ही खा रहे हैं। हमारे देश की तरह नहीं कि कोई भी पत्रकार कुछ भी बोलकर निकल जाए। आपको शायद पता नहीं होगा कि सेंटा क्लॉज का जन्म टर्की में ही हुआ था। सेंटा क्लॉज ने टर्की के पतारा में 280 एडी शताब्दी में जन्म लिया था। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी कि टर्की देश बहुत ही लकी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ 1939 के बाद से कम 25 बेहद भयानक भूकंप आ चुके हैं और इनकी तीव्रता कम से कम 7.8 की थी। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई और देश 25 बार इस तीव्रता के भूकंप के झटके झेलता तो अब तक तबाह हो गया होता। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि क्या है टर्की के वीजा का प्रोसेस। आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो आपको टर्की का वीजा 4 से 6 दिन के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों टर्की में घूमने के लिए 8 से 9 दिन में लगभग 55,000 रुपए खर्च करने होंगे। टर्की की करेंसी टर्किश लीरा, जिसकी वैल्यू है लगभग 8.42 भारतीय रुपए के बराबर। तो दोस्तों ये था दुनिया का सबसे स्पेशल देश टर्की के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो ये फैक्ट्स जानने के बाद आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों क्या आपने कभी विजिट किया है इस देश में, और अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको टाइम पर
मिलती रहे। अब मिलते हैं किसी और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।